Hi friends, welcome back to my channel. So here I am sharing the recipe of potato wedges. So ये बहुत crispy रहता है और delicious रहता है और during this rainy season it will be like a heaven for us. So without any further ado, let's start the video. तो यहाँ पर मैंने दो आलू लिया है with skin और इसको wedges shape में cut करना है. वो thin भी रह सकता है या thick भी रह सकता है और इसको ना थोड़ा 70% cook करना है, इसीलिए पानी में थोड़ा salt डाल के इसको उबालना है और ये कुक होने के बाद इसको पानी को ड्रेन कर लेना है और विल कीप इट असाइड. तो भी मैंने ड्रेन कर दिया और इसको रख देते हैं. और एक बाउल में 2 स्पून राइस फ्लोर और 1 स्पून कॉर्न फ्लोर, तो ये क्रिस्पीनेस के लिए अच्छा रहता है दोनों कॉम्बिनेशन. तो अकॉर्डिंग टू योर वेजेस आप ले सकते हो. सॉल्ट और रेड चिली पाउडर मैंने ऐड किया है यहाँ पे और ऑरिगेनो. इसको ड्राई में ही अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसको हम अच्छे से वेजेस के ऊपर कोट कर सकते हैं. पानी पहले ही नहीं डालना है और गार्लिक भी पहले नहीं डालना है. अभी इसको हम मैरिनेशन के लिए भी रख सकते हैं, लाइक 20 मिनट्स और लाइक एज पर यू लाइक सडन भी फ्राई कर सकते हो. बट मैरिनेट करने से ना थोड़ा फ्लेवर अंदर तक जाता है. तो अभी मैंने कोट कर रहा है यहाँ पे और थोड़ा फिर से पानी डालूँगी मैं अच्छे से कोट होने के लिए. अभी ये सब अच्छे से कोट करने के बाद ग्रेटेड गार्लिक डालूंगी. अगर आपके पास गार्लिक पाउडर है तो गार्लिक पाउडर भी यूज़ कर सकते हो. हाँ, तो अभी अच्छे से मिक्स करना है और इसको बहुत ही गर्म रहना चाहिए, ऑयल शुड बी लाइक वेरी हॉट. तो इसको एक के बाद एक डाल के फ्राई कर लेना है अच्छे से. ये चिपकता नहीं है, कुछ भी नहीं, छोड़ता भी नहीं है. ज़्यादा हॉट रहेगा ना ऑयल तो ये अच्छे से ये हो जाता है और अंदर तक ज़्यादा ऑयल को अब्जॉर्ब नहीं करेगा. इसको आप अच्छे से फ्राई करने के बाद इसको मेयोनेज़ या टमाटो सॉस और ऐसे भी खा सकते हो, इट विल बी वेरी टेस्टी. सो ये आपको देखिए वो साउंड सुनाई दे रहा है ना, वेरी क्रिस्पी काइंड. तो ये अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज. बाय बाय.